बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और जी, यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आज सुबह 9 बजे से ही। और आज दिन बुध है, वेडनेसडे है, तो यहाँ से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और अम्मी जाग गई थी, अम्मी नहाने गई थी और बाकी सब अभी सो रहे थे। और आन हारिश भी अभी सो रहे हैं, आज उनको स्कूल नहीं भेजा मैंने। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको कि आन की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसको डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। मतलब वो जो भी कुछ खा रहा था ना, उसको उल्टी हो जा रही थी। तो फिर डॉक्टर को हमने फिर से दिखाया, तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे, फिर हमने उसके टेस्ट करवाए, तो उसको ना पीलिया का थोड़ा सा शक जा रहा था डॉक्टर को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसको थोड़ा सा फूड इन्फेक्शन है। लेकिन फिर भी उसको रेस्ट के लिए मैंने घर रोक लिया है। तब तक उसकी जब बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती ना तबीयत, तब तक हम अभी इसको स्कूल नहीं भेजेंगे। और वैसे भी अभी शुरू शुरू का टाइम है ना, तो अभी ऐसी कोई ख़ास पढ़ाई हो नहीं रही है। और अगर पढ़ाई हो भी रही होती ना, तो भी नहीं भेजते, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे अयान उठ चुका था, और उठते से ही ना उसको बस ये बिल्लियों का लगा रहता है खिलाने का। हालांकि मैं उसको मना भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना तबीयत ख़राब रहती ना बच्चों की, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगता है, अनकम्फर्टेबल रहती हूँ मैं जब ये लोग बिल्लियों के साथ खेलते हैं। बाकी वैसे वो साफ़ रहती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं इनकी वजह से कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो रहा हो या कुछ भी, तो बस इसीलिए मैं रोकती हूँ उनको। और यहाँ पे जी मैं आयान के लिए अभी नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया था मैंने, मैं उसको एप्पल दे रही थी, क्योंकि मुझे ना कुछ भी हैवी नाश्ता देने में उसको डर लग रहा था कि ये कुछ निकाल ना दे या इसको कोई परेशानी ना होने लगे, मचलाहट वगैरह, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको एप्पल काट के दे रही थी। थोड़ा सा बस पतले पतले स्लाइस काट दी मैंने, ताकि ये अच्छे से छोटे छोटे पीस बना के खा ले। और जी, सब लोग उठ चुके थे, तो फिर ये गए थे नहाने। दादी मुँह हाथ धो रही थी और मैं यहाँ करने लगी थी हॉल की साफ़ सफाई। तो फिर ये नहा के आ जाएंगे ना, तब तक फिर मैं इनका नाश्ता भी तैयार कर दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ना मैं यहाँ पे हॉल में बस ये छोटा मोटा सा यहाँ का बिस्तर वगैरह मैंने साफ़ किया बस, और झाड़ू वगैरह तो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि फिर ये नहा के आ जाते हैं ना, उससे पहले पहले मुझे उनका नाश्ता भी तैयार करना होता है। और अगर मैं हॉल की डीप क्लीनिंग करने लग जाऊँ ना, तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ, इसलिए बस मैं यहाँ से बिस्तर वगैरह हटाती हूँ और सोफ़ा वगैरह ही साफ़ करती हूँ, वो भी टाइम देखते हुए। अगर लगता है कि नहीं ये आ रहे हैं, तो फिर वो भी मैं पड़ा ही रहने देती हूँ, जब वो नाश्ता कर लेते हैं ना, उसके बाद ही मैं सारा कुछ करती हूँ। क्योंकि नहाने के बाद ही बहुत जल्दी से फिर नाश्ता करते हैं, अगर नहीं भी नाश्ता करना हो तो जल्दी से चाय वगैरह पी के दुकान निकल जाते हैं। और अगर कभी लेट भी होते हैं ना, तो बस वो इसी वजह से होते हैं, या तो घर में कोई एक्स्ट्रा काम होता है उनके हिसाब से करने का, या फिर पापा के कोई काम के लिए रुक जाते हैं, जैसे उनको नहलाना हो या उनकी सफाई करना हो या दाढ़ी वगैरह बनाना हो, तो बस इसीलिए रुक जाते हैं। बाकी तो वो उनके टाइम से ही निकल जाते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ ना कि मेरे अगर काम में अगर लेट करके दूँगी ना, तो मेरी वजह से वो लेट हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं ना उनको फारिग करने के बाद ही अपना दूसरा काम करती हूँ, कि ये दुकान चले जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं इत्मीनान से अपना काम करने लगूंगी। और जी, नाश्ते में मैंने अभी समोसे बना के दिए इनको, क्योंकि फ्रिज में कीमा रखा हुआ था पहले का बना हुआ, तो मुझे वही लगा कि जल्दी से मैं यही बना के दे दूँ। जी, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं हॉल में और ये चाय पी रहे हैं, और चाय इनको मैं ही निकाल के देती हूँ प्याली में, ये अपने हाथ से नहीं पीते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इनको चाय दे रही होती हूँ और अयान आवाज़ दे रहा होता है, या हारिश को ज़रूरत होती है मेरी, तब मैं इनको बोलती हूँ कि यार आप चाय पी लो, मुझे ज़रूरी काम है, तब जाके ये अपने हाथ से चाय लेते हैं, नहीं तो ये चाय नहीं लेते हैं। और अम्मी ने इस आदत से ना इनको कई बार टोका भी है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बोलते नहीं मुझे इसी तरह
चाय पीना अच्छा लगता है, वो देगी मेरी प्याली में तभी मैं चाय पीऊँगा, नहीं तो मैं नहीं पीता। तो बस इसी तरह मुझे ना देना ही पड़ता है। और कभी कभी तो मजाक में अम्मी से बोल भी देते हैं कि अच्छा वो नहीं देगी तो फिर आप चाय निकाल के दो मेरी प्याली में, तो अम्मी बोलती अच्छा ठीक है वही पिला देगी। इनकी कुछ आदतें ना बिल्कुल बच्चों की तरह होती है, जो कि उनके नेचर में ही है ऐसा। तो बस इसी तरह मैं चाय दिया करती हूँ उनको डेली, आपने कई बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में भी। तो जी ये तैयार होके अब निकल रहे हैं दुकान के लिए। और सुबह का टाइम बस ऐसे निकलता है फटाफट से, बिल्कुल एक से फारिग हुए दूसरे की बारी, दूसरे से फारिग हुए तीसरे की बारी, इस तरह ही मेरा टाइम निकलता है सुबह का। और फिलहाल 11:30 बज रही है, तो मैं भी नहा चुकी थी जल्दी से, अम्मी ने नहा लिया था उसके बाद फिर मैं नहाने भी चली गई थी। तो बस यहाँ पे अब अयान हरीश का भी मेरा नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया था, बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और रोटी मैंने पहले ही बना ली थी, बस थोड़े से पराठे बनाने थे नाश्ते के लिए, तो वो मैं बना रही हूँ। और आप भी सोचूंगी इतना लेट नाश्ता, तो बस लेट उठेंगे तो ज़ाहिर है नाश्ता भी लेट ही होगा, तो बस इसीलिए लेट नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। और अम्मी मुझे यहीं पे सब्ज़ी वगैरह सब साफ़ करके रख रही थी, तो ये बकेट मैंने अभी निकाल के दिया था अम्मी को, तो बस अम्मी सारी सब्जियों को एक एक पन्नी में अलग अलग करके रख रही थी साफ़ करके, जो ख़राब हो चुकी उनको निकाल के और जो अच्छी उनको एक साइड करके अच्छे से जमा के रख दो ना, तो वो आसानी से निकालते वक्त ना बहुत आसानी से निकलती है, और दूसरा ना ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि फ्रिज में भी आप जैसे सब्जी लाओ अगर वैसे ही भर दो ना तो बस वो कबाड़ा ही होना है, सब्जियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। अगर थोड़ी सी भी सब्जी उसमें ख़राब मिक्स होना, जैसे मिर्चियाँ हरा धनिया, तो बाकी का पूरा हरा धनिया भी ख़राब हो जाता है, मिर्चियाँ भी उसके साथ साथ जो रखी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ना साफ़ सफाई करके अगर रख दो ना तो वो सब्जी भी बढ़िया रहती है और बहुत अच्छे से जमी हुई रहती है ना, तो आसानी से निकालने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी मैं मलाई वगैरह निकाल रही थी, मलाई मैं इस डिब्बे में ना निकाल निकाल के इकट्ठा कर लेती हूँ, और जब ये पूरा फुल हो जाता है तो बस मैं इसका घी निकाल लेती हूँ। गाइस आज नानी आई है तो मैं आपको नानी से मिलवाता हूँ। ये है मम्मा की नानी, और इधर मम्मा बिल्लियों का खाना तैयार कर रही हैं, रोटी और ये है उनकी, ये बिल्लियों का फेवरेट खाना है, फेवरेट खाना है ग्रेवी। विकास को महंगा पड़ता है, हाँ लेकिन ये हमको महंगा पड़ता है इसलिए हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि हमको सस्ता भी पड़े और उनका पेट भी भर जाए। हाँ है ना, मैंने दिए यही बात है ना यार, सही बात है। आधा डालना, ज़्यादा दिन पूरेगा नहीं, 7 दिन पूरेगा। एक ले कहीं हरीश, एक चम्मच लेके आना बेटा। तो जी यहाँ पे कर रही हूँ मैं बिल्लियों का खाना तैयार। असल में हम लोग उनको देते हैं दाने, जो कि वो भी फिश के और चिकन के पीस होते हैं, लेकिन वो खाती हैं लेकिन इतना शौक से नहीं खाती जितना कि ये वाला पैकेट जो मेरे हाथ में ये खाती हैं। ये ग्रेवी होती है जो कि बहुत गीली गीली सी होती है, और इनको ये बहुत पसंद है, इतना खुश होती हैं, मतलब अलग से उनका एक्सप्रेशन नज़र आता है कि वो बहुत खुश है, उनका फेवरेट है ये, तो इसलिए। और ये बहुत महंगा पड़ता है हम लोगों को, वो जो पैकेट दाने का लेके आते हैं ना वो 70-80 रुपीज़ का होता है, जो कि 3-4 दिन चलता है, तो हफ्ते में 2-3 लाना पड़ता है। और ये जो होता है ना ये 40 का एक ही पैकेट आता है, 40 रुपये का एक पैकेट, और ये अगर ये सिंगल खिलाएंगे ना हमने तो वो हमको 3 लग जाते हैं एक दिन में, तो 120 रुपये के हिसाब से हो जाता है कि एक दिन का 120 रुपये का, तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इसलिए ना इन्होंने अभी कहीं पता करके आए थे, किसी दोस्त ने इनको बताया कि आप इसको ना रोटी में मिला के एक दिन में अगर एक पैकेट 3 बार में दे दोगे ना तो ये रोटी भी खा लेती हैं और वो ग्रेवी भी खा लेंगी, तो मतलब ग्रेवी के साथ जब ये रोटी में मिक्स हो जाता है ना तो इनको अच्छा लगता है, तो ये रोटी भी खा लेती और इनका पेट भी भरा जाएगा और इस तरह ना तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो हमने सोचा हम करके देखते हैं, तो माशाल्लाह से इन लोगों ने खा लिया, और ये देखें अभी
बड़े अच्छे से खा लेती हैं ये लोग। और जी एक बात और कि मेरी स्लीपर यहाँ पे टूटी है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कितनी बड़ी कंजूस है, स्लीपर लेने का नाम नहीं है। तो मैं स्लीपर लेने जाने में ना मुझे बड़ी जान पे आ रही थी, हालांकि मैं जाती रहती हूँ लेकिन फिर भी उसको ना पूरे मार्केट में ढूंढना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन फ़िलहाल मैं ले कर आ गई हूँ और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, स्लीपर मेरे पैर में है। खैर जी अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि यहाँ पे मेरा ब्लॉग चल रहा है ईद वाला, और मेरी नानी आई हुई थी आज। एक मेरी नानी है, एक मेरी नानी की बहन है, तो वो भी मेरी नानी है, और उनको हम लोग यहाँ पे ब्लॉग दिखा रहे थे और वो बड़ी खुश हो रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ, क्योंकि वो मेरी शादी के बाद से ना ये दूसरी बार ही आई हैं। इसके पहले भी आई थी लेकिन बहुत ज़रूरी कोई काम था उसी में आई थी, ऐसे वो नहीं आती अभी भी। फ़िलहाल वो पापा की वजह से ही आई हैं कि हम लोग पापा को देखने चलें, और काफ़ी दिनों से आने का कर रही थी लेकिन बस वो पापा की इतनी खास तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब उनको ना थोड़ा सा रिश्तेदारों से दूर ही रख रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको पहले तो रोक दिया था, और अभी फ़िलहाल ना वो सब आने जाने वाले ही लगे थे, तो फिर इसलिए नानी भी आ गई। और उनके आने से ना हमारे घर में सभी को इतना अच्छा लग रहा था, मेरे पापा भी बहुत खुश थे, अम्मी भी बहुत खुश थी, और अयन हारिश का तो क्या ही पूछे। तो बस अभी मैं उनको छत पे लेके आ गई हूँ, शाम का टाइम है ये और मगरिब का टाइम होने वाला है, उसके पहले पहले ना हम लोग नीचे आ गए। और मैं छत पे इसलिए लेके गई थी उनको क्योंकि मैं उनको घुमाने के लिए लेके गई थी कि आप देख लो ऊपर का भी, और कोचिंग वगैरह भी दिखाई मैंने फिर, और छत वगैरह पे भी लेके गई मैं। उन्होंने ना अभी तक पूरा घर ही नहीं देखा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको घर भी दिखा देती हूँ, और इसी बहाने ना उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी बिता लेंगे। काम तो हमेशा लगा ही रहता है, काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो सारा काम छोड़ के मैं चली गई थी कि आज मैं खाना भले से लेट बना लूँगी लेकिन मैं नानी के साथ छत पे जाऊँगी। और फिर जब मगरिब की अजान हो गई तो हम फिर तुरंत ही नीचे आ गए, और फिर मैंने मगरिब पढ़ी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं यहाँ पे खाने वगैरह की तैयारी करने लगी, और अयान को अंडा खाना था तो उसके लिए बनाई फिर मैंने ऑमलेट। और जी ये रात का टाइम है, खाने से सब लोग फारिग हो गए, समथिंग यहाँ पे 11 बज रही होगी, और मैं यहाँ पे कर रही थी अयान हारिश के स्कूल की तैयारी, क्योंकि माशाल्लाह से अभी मुझे वो ठीक लग रहा था, और हमने सोचा था कि कल हम लोग उन लोगों को स्कूल पहुँचाएँगे दोनों को, क्योंकि अयान की वजह से ना हारिश भी रुक जाता है कि भाई नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो बस उन लोगों को खाना था मोमोज, और मैं यहाँ पर कर रही थी मोमोज की तैयारी, और अगर उसकी तबीयत बेहतर रही ना तो हम लोग स्कूल पहुंचाएंगे, और अगर थोड़ा सा भी कुछ लगा ना तो फिर रोक लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे टिफ़िन की तैयारी करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर सुबह करने बैठूंगी ना तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी, प्याज, कैप्सिकम, गाजर और जो भी लगती है ना मोमोज़ में, पत्ता गोभी वगैरह, सारे को बारीक कट करके रख दिया, और उसमें मैंने यहाँ पे काली मिर्च और नमक डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर और नमक, और अच्छे तरह मिक्स करके अब मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी, फिर सुबह बाकी का जो भी इसके आगे का काम है ना वह मैं सुबह करूँगी। तो इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।